वो आपकी गाड़ी के डीजल पार्टिकल फिल्टर के रीजनरेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलती है। इंजन इग्निशन करने के बाद व्हीकल के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर TPF रीजनरेशन इंडिकेटर लाइट ग्लो करती है तो इसका मतलब है कि गाड़ी में अभी एक्टिव TPF रीजनरेशन स्टार्ट हो गया है। इस प्रोसेस में 30 से 40 मिनट लगते हैं, तब तक गाड़ी का इग्निशन ऑफ मत कीजिए। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इंडिकेटर लाइट ऑफ हो जाती है, लेकिन अगर कभी आपका इंडिकेटर पर ध्यान नहीं जाए तो फिर आपको मैनुअल TPF रीजनरेशन करना पड़ेगा। आप ये प्रोसेस डैशबोर्ड में लगे हुए इन दो स्विच से बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले गाड़ी को किसी ऐसी जगह पर पार्क कीजिए जहां इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ना हो और किसी को हानि ना पहुंचे। उसके बाद गाड़ी के गियर को न्यूट्रल करें, इंजन को इस पूरे प्रोसेस में ऑन रखें, फिर डैशबोर्ड में लगा हुआ मैनुअल या सर्विस रीजनरेशन ऑन स्विच को दबाएं, जिससे रीजनरेशन प्रोसेस शुरू होगा जो 30 से 40 मिनट तक चलेगा। 4. TPF रीजनरेशन इंडिकेटर लाइट जब ब्लिंक करना बंद करेगी, यानी आपका रीजनरेशन कंप्लीट हो गया है। 5. इंडिकेटर लाइट ऑफ होते ही आप डैशबोर्ड में लगे हुए दूसरे मैनुअल सर्विस रीजनरेशन ऑफ स्विच को प्रेस कर दीजिए। इससे आपका पूरा मैनुअल TPF रीजनरेशन कंप्लीट होता है। मैनुअली TPF रीजनरेशन में अधिक सहायता के लिए आप सर्विस मैनुअल को पढ़ें या टाटा मोटर्स ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर को संपर्क करें। तो हमेशा इंडिकेटर्स पर ध्यान दें जिससे आपकी गाड़ी